क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? और ऐसे भी लोग क्या बोलते हैं, लोगों की बहुत चिंता मत करो, तुम कुछ भी करेंगे लोग तो अलग अलग आपको ओपिनियन देते रहेंगे, आप क्या करेंगे। और मैं आपको पुनः सच बोलो, आपकी जिंदगी ओपिनियन से चलेगी कि एक्सपीरियंस से चलेगी? देन वाई ओपिनियन को क्यों इतना टॉप पे ले जाते हो? और सच बताऊं, मैं कई जगह प्रवचन में बोलता, आज भी बताऊं, तुम बूट पहन के निकले हो ना, और आपका मित्र बोलता है कि बूट ऐसा लगता है, या तू पहन के निकलता ना लगता कि शाहरुख खान आ गया, मगर तू मेरे पैर में बूट चुभते है। सच बोलो, एक ओपिनियन ये है कि तू शाहरुख खान लगता है, और तुम्हारा एक्सपीरियंस ये है बूट अंदर से चुभ रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ओपिनियन को लेकर बूट पहन के रखेंगे या एक्सपीरियंस को लेकर के बूट निकाल देंगे? इतनी अक्ल है तुम्हारे पास, मजा आ गई। तो सच बोलो, आप ये तय करेंगे गुरुदेव, एक्सपीरियंस को टॉप प्रायोरिटी देंगे, नॉट ओपिनियन। मान लिया मैं फेल हो गया तो बोलेंगे लोग फेल हो गया, हुआ क्या दिक्कत है? आपके पास ये ताकत जब बनेगी तब मैं बताऊंगा कि आपके पास चाबी आ गई। 100 मंजिल तक पहुंच जाना आसान है, मगर ये चाबी को पकड़ के बैठना इट इज रियली डिफिकल्ट। और एक बार तुम्हें आज मैं प्रवचन में आपके सामने वो चाबी की बात करना चाहता हूं। मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, हर जगह करीबन युवान होते तब मैं एग्जाम्पल कहता हूं, ये एग्जाम्पल आज भी कहूंगा। करीबन 30 साल पहले भावनगर के चातुर्मास में एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, चेहरे पे मुस्कान थी। मैंने बोला क्यों आज मजे में? मारे साहब आज बोर्ड का रिजल्ट था, होटल में पार्टी दे के आया। अभी हम समझते हैं, मैं भी तो 30 साल पहले मैं भी तो वही समझता था, बोर्ड का रिजल्ट, होटल में पार्टी, आप क्या बोलेंगे, क्या हुआ होगा? 95%, हाँ बराबर, परसेंटेज में तुम आ गए 90 जो भी है, आप जो मानते हो वही मैं मानता था। और तब मैंने पूछा, दोस्त यार पार्टी दे के आया, बोर्ड की एग्जाम आज रिजल्ट था, और बता देगा कितना परसेंटेज आया? गुरुदेव 37। ये मुनि हूं मैं, जिंदगी भर तक झूठ नहीं बोलने का मेरा पचकान है आपके सामने। वो लड़के ने जब मुझे बता दिया गुरुदेव ओनली 37, और तब मैंने उनको पूछा, दोस्त 37 में तू पार्टी दे सकता है? उन्होंने बोला क्या दिक्कत है गुरुदेव, पार्टी देने के लिए कंपलसरी नहीं 95 चाहिए, 37 में भी पार्टी दे क्या? मगर मैंने बोला आखिर पार्टी देने के मुझे मकसद क्या था गुरुदेव बताओ? 97 वाला जिस क्लास में गया उसी क्लास में मैं भी गया, क्या मजा आ गया। सर बोलो, ये ताकत है तुम्हारे पास, ये ताकत। मान लिया गुरुदेव 37%, आई एम हैप्पी, मेरे चेहरे की मुस्कान को डिस्टर्ब करने की ताकत परसेंटेज की नहीं है गुरुदेव। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।